बंटी भाई, बंटी भाई, यार देखो ना मेरे सेल्फी वाले कैमरे को क्या हो गया है, तस्वीर नहीं बना रहा सही। आप देखो क्या हो गया। खान भाई रुक जाए, मैं लेके देखता हूँ, आप बिना कसम से। खान भाई इसके खोते वाला फिल्टर तो बंद करें। ओए ये मैंने क्या सुना है, तू आईफोन 15 प्रो मैक्स ले रहा है? हाँ जी आईफोन 15 प्रो मैक्स लूंगा मैं, इस दफा कुछ भी हो जाए। तुझे पता भी है वो कितने का आता है? पूरे ना 7 लाख रुपए का। तो क्या हुआ, अम्मा तो तुझे इतने पैसे नहीं देगी, तू कहीं डाका तो नहीं मारने लगा? डाका नहीं मारूंगा, मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन इस दफा आईफोन 15 प्रो मैक्स ना लेके छोड़ूंगा मैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू बाकी के 6,99,000 कहाँ से लाएगा? नहीं बंटी भाई हमारे को छोड़ दो, हम इसको नहीं छोड़ेगा। ओ गुल खान भाई मुझे तो बताएं हुआ क्या है। नहीं बंटी भाई मैं इस बैंक मैनेजर को नहीं छोड़ूंगा, मैंने सोच लिया, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ था मुझे तो बता दो। बंटी भाई हम सुबह बैंक गया पैसे जमा कराने के लिए। नहीं लेकिन आप मुझे छोड़ो पहले। नहीं ना पहले बताओ तो सही। बंटी भाई मैं सुबह बैंक गया पैसे जमा कराने अपने अकाउंट में, कहता है ये नकली नोट है ये नहीं जमा होंगे। मैंने इसको बोला नोट नकली हो या असली, अकाउंट तो मेरा ना जमा करो। नोट नकली हो या असली, अकाउंट तो मेरा ना जमा करो। छोड़ेगा नहीं हम इसको, फिर भी बता रहे हैं बंटी भाई। यार अम्मा एक गिलास पानी तो ला दो, इतनी प्यास लग रही है। भाई मेरे बंटी पुत्र को प्यास लगी है तो पानी छोड़ना, मैं तेरी लाल शरबत ना बना के ले आऊं। लाल वाला शरबत और उस पे नींबू भी निचोड़ दूं। भाई नींबू निचोड़ के लाल वाला शरबत, और हाँ मैं तो सोच रही हूँ उसके अंदर ना बर्फ डाल के ठंडा ठंडा तेरे लिए लाल शरबत लेकर आती हूँ। हाय फिर तो मजा ही आ जाएगा अम्मा, मुझे तो पानी आ गया मेरे। आ गया पानी? हाँ शाबाश मेरा पुत्र पी ले। निकम्मी औलाद, पानी पीने के लिए भी माँ को आवाज़ें लगाते हैं। जला दिया मुझे इसने, कोई ऐसे करता है अपनी बहन को जलाता है? अम्मा इतना दर्द हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। आयो रे माँ। रामेबाज नौटंकी, अब जा जाके स्विच भी लगा इसका, वरना खुद ही इस्त्री करके दे मुझे। हेलो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ, और आपको पता है मैं खुश क्यों? क्योंकि मुझको ना ये इतना बड़ा सारा घर जो है ना सिर्फ 20 लाख में मिल गया, इसकी असली कीमत थी 2 करोड़ रुपया। मैं अभी तक हैरान हूँ कि मुझको इतना सस्ता कैसे मिल गया। आओ मैं आपको ना पूरा घर दिखाता हूँ, आ जाओ। बंटी खाना कैसा बना हुआ है आज? क्या पहली दफा बनाया है खाना आज? ना सब्जी के अंदर स्वाद है सर, ना कोई रोटी ढंग से गर्म करके दी, कि सुबह की रोटी पकड़ा दी है, बनाना नहीं आता क्या खाना? बावली हो गई है क्या, आप दांत क्यों निकाल रही है? क्योंकि ये खाना मैंने नहीं बनाया, अम्मा ने बनाया। अम्मा ने बनाया, बहुत टेस्टी है, पहले नहीं फूट सकती थी। समझ में नहीं आ रहा, ये जो मेरे दिमाग में 20-25 करोड़ रुपए हैं, इनको मैं बैंक में कैसे ट्रांसफर करूं? आपको समझ आ रहा है, कमेंट्स में बता दें। Ha ha ha!
ओए मैं मर गई गुल खान, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, किससे लड़के आए हो बाहर? नहीं बीबी जी, लड़के नहीं आ रहा, मैं घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में चार डाकू पड़ गए मुझे। अच्छा फिर? फिर क्या बीबी जी, कहने लगे जो कुछ भी है निकालो, मेरे पास तो दांत ही थे, मैंने ऐसे करके निकाले। उनके बाद ये लड़कियां इतनी बेवकूफ क्यों होती हैं? क्यों, क्या हुआ? यार मैंने अपनी दोस्त से ना एक इतना सिंपल सवाल पूछा, जब तुम 6 साल की थी तुम्हारा भाई आधी उम्र का था, अब जब तुम 30 साल की हो तो बताओ वो कितने साल का हुआ? यार बंदी कसम से मोबाइल इस्तेमाल कर करके ना इनकी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। सीधी सी बात है ना, 15 साल का हुआ। सीधी सी बात है ना, 15 साल का हुआ। अरे बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। अम्मा क्या पका रही हो? बंटी पुत्र मैं ना तेरे लिए कढ़ाई बना रही हूँ। अरे सच्ची कढ़ाई? हाँ ना, करेला कढ़ाई है। करेले की कढ़ाई? हाँ बड़ी मजे की होती है मेरा पुत्र। हाँ अम्मा मुझे बहुत पसंद है, अब्बा को भी बता देता हूँ, करेले की कढ़ाई खाएंगे आज हम लोग। हाँ ठीक है। जब देखो करेले टींडे और कुछ पकते ही नहीं इस घर में, मैं तो नहीं खा रहा, जा रहा हूँ बाहर। जूती किधर है मेरी? जूती लेकर आना जरा। नहीं नहीं अब्बा, मैं तो ना बहुत शौक से खाता हूँ करेले। अम्मा कह रही थी आपको भी बता दूँ, आज ना करेले की कढ़ाई बन रही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरी भी जूती लेकर आ, दोनों चलते हैं बाहर, मैं भी तंग आ गया हूँ करेले खा खा के। चलते हैं आज कुछ चिकन कढ़ाई खाते हैं बाहर से। अरे सच्ची अम्मा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। डॉक्टर साहिबा मेरी रिपोर्ट आ गई है। हाँ गुल खान, पर एक बुरी खबर है और एक उससे भी ज्यादा बुरी खबर है। अच्छा? और बुरी खबर ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इससे भी बुरी खबर क्या हो सकती है डॉक्टर साहिबा? और इससे भी बुरी खबर ये है कि हम कल शाम से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं। खत्म, बाय बाय। अरे बेगम क्या हो गया, खैरियत तो है? अरे बंटी के अब्बा ना पूछे, मेरे सर में भी बड़ा दर्द है, मुझे बुखार भी हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ नहीं चंगा लग रहा। अच्छा फिर जल्दी से ना हाथ आगे लाओ। अब बताओ कैसा लग रहा है? हाँ अब सर दर्द ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। और अब कैसा लग रहा है? अब तो मुझे जिस्म में भी दर्द कम लग रहा है। वाकई? अच्छा फिर अब बताओ ना कैसा लग रहा है? अरे बंटी के अब्बा अब तो मुझे ना फुल एनर्जी आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आशाश बशाश हो गई हूँ। यानी तबीयत ठीक हो गई है? हाँ जी। बुखार भी खत्म हो गया है? हाँ जी। एनर्जी भी आ गई है? हाँ जी। तो फिर ऐसा करो, उठो किचन में जाओ और खाना बनाओ, बहुत भूख लगी हुई है मुझे सुबह से। हाँ जी। हाँ जी। गुलखान भाई मैंने सुना है आप हाथ देख के मुस्तकबिल का हाल बताते हो। हाँ पंजी भाई, जब मैं गांव में था ना वहाँ सबके हाथ में ही देख रहा था। अच्छा तो फिर एक काम करें ना, मेरा हाथ देख के बता दें मेरा मुस्तकबिल, मतलब मेरा फ्यूचर कैसा होगा। बंटी भाई आपके हाथ की लकीरें कह रही है आपके सिर्फ और सिर्फ 40 साल जो है ना वो बहुत मुश्किल है। हैं? उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? फिर क्या बंटी भाई, उसके बाद तो आपको आदत हो जाएगी। हाला क्या तुमको भी याद दिखाना है, जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो फिर अभी, वरना प्यास का तो। अबे तुच्छे ये देख, ये क्या है? नौकरी लग गई, दुबई जा रहा हूँ, दुबई 20,000 दिरहम पे। बहुत तूने बजाई है ना मेरी, हर वक्त ये काम कर वो काम कर, अब रख ले किसी को 20 रुपए पे ना आया कोई देर बाद काम करने के लिए। अबे क्या बाबला हो गया है देख के पैसे भाई के। अबे तुझे पता है इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? अबे बावले इसमें लिखा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। बॉस वो मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे काम क्या करना है। चल जा निकल यहाँ से।